खान सर जिस प्रकार से अपना वीडियो बनाते हैं उनमें एक ताव दिखता था, लेकिन कल जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसमें साफ साफ उनके चेहरे पे डर दिख रहा है। जो छात्रों को, बेकसूर छात्रों को, जरूरी नहीं है कि वो उपद्रवी हैं, उठाकर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तमाम तस्वीरें निकल के आ रही हैं। हम उनका उसका भी विरोध करते हुए ये जाम किए हैं। हाँ, एकदम बिल्कुल जोड़ रहे हैं। उन लोग के बयान को हम यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आशा एक भारत। मैं अभी आरा के बस स्टैंड में हूँ और मैं यहाँ बात करता हूँ कि वो यहाँ पे आरा बस स्टैंड में चक्का जाम क्यों किए हुए हैं, जबकि सरकार ने तो शर्ते मान लिए, उसके बाद भी चक्का जाम, ये क्यों? आइए मैं बात करता हूँ। आप ये चक्का जाम आज क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आज ऐलान था पहले से ही कि आज बिहार बंद रखा जाएगा, और एनटीपीसी के रिजल्ट में जो स्कैम हुआ है, 20 गुना रिजल्ट के बजाय 20 गुना रोल नंबर को सिलेक्ट किया गया है, तो हम यही इसीलिए किए हैं। और आरआरबी ग्रुप डी में पहले एक एग्जाम होता था, लेकिन अब दो दो एग्जाम करके छात्रों को परेशान किया जा रहा है। तो खान सर तो कह रहे हैं कि सारी शर्तें मान ली गई है। खान सर जिस प्रकार से अपना वीडियो बनाते हैं उनमें एक ताव दिखता था, लेकिन कल जो उन्होंने वीडियो बनाया है उसमें साफ साफ उनके चेहरे पे डर दिख रहा है। जो वो मीटिंग में गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बंद कमरे में डरवाया गया है, जिसके चलते उन्होंने, मैं कल खुद ही रात में ऐसा वीडियो देखा कि वो कह रहे थे कि सरकार पूरी बात मान गई है। यदि सरकार पूरी बात माने रहती तो हमारे रेल मंत्री आए थे जब लाइव, तो वो कह सकते थे कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है रिवाइज होगा, कह सकते थे। जब कमेटी बनी है तो उसमें कह सकते थे कि एकदम इसी पे काम होगा, लेकिन उन्होंने बस कमेटी का, अश्विनी वैष्णव जी ने कहा ना कि 4 मार्च तक मैं वो जारी कर दूंगा, कमेटी तो उसके लिए बन चुकी है, उसके बावजूद ये चक्का जाम क्यों? उसके लिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ कमेटी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा भी आश्वासन छात्रों को ये नहीं दिया कि हम इस पे कार्य करेंगे। जिस प्रकार लॉज से छात्रों को, बेकसूर छात्रों को, जरूरी नहीं है कि वो उपद्रवी हैं, उठाकर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तमाम तस्वीरें निकल के आ रही हैं। हम उनका उसका भी विरोध करते हुए ये जाम किए हैं, आज बिहार बंद किए हैं। तो सुशील मोदी जी ने भी बोला है कि सारी शर्तें मान ली गई, आप उसके बावजूद भी ये सारे विपक्ष दलों का ये चक्का जाम है पूरे बिहार में। सुशील मोदी ने कल लाइव आके ये बयान दिया था, हमने भी देखा, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा वो बहुत कार्य किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, तो हम लोग उन पर थोड़ा सा विश्वास नहीं करते। वो छात्रों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं ताकि छात्र सड़क पर ना उतरे। इससे अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, उस पर बहुत उनका असर पड़ेगा। जो छात्र आक्रोशित है तो उनका बहुत भारी नुकसान यूपी में होगा, इसलिए तो आप इसको यूपी चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल जो जोड़ रहे हैं। उन लोग के बयान को हम यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग इतना बैकफुट पे इतना जल्दी आ गए। वो छात्रों को इतना बर्बरता पूर्वक से जब मार रही है, देशद्रोही, उपद्रवी, तमाम नाम दे रही है, तो हम उनके बातों को जरा सा भी नहीं मानते हैं। हम आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।